भक्त शिरोमणि सबरी माता की, भक्त शिरोमणि सबरी माता की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। आज हमारे बीच में हमारे परिवार के मुखिया और हमारे दुख सुख के समझने वाले नेता और इस देश के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर समय सपना देखने वाले नेता और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी का मैं इस मंच पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय भानोद साहब, आदरणीय बड़े भाई और सामाजिक न्याय अनुसूचित जाति के मंत्री आदरणीय भैया लखन घनघोरिया जी, विधायक बड़े भैया आदरणीय पुंदेलाल मार्को जी, आदरणीय विधायक भूपेंद्र मरावी जी, आदरणीय विधायक सुनील सराफ जी, आदरणीय विधायक डॉक्टर मर्सकोले जी, पूर्व मंत्री कौशल्या गौटिया जी, पूर्व विधायक डॉक्टर नन्हे सिंह जी, पूर्व अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष आदरणीय कोल साहब, आदरणीय इसके कार्यक्रम के प्रस्तावक और इस कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने वाले आदरणीय माखनलाल सरैया साहब, आदरणीय जिला कांग्रेस के अध्यक्ष शुक्ला जी, आदरणीय हमारे सभी आदरणीय हमारे लोकसभा के प्रत्याशी थे मरावी साहब, आदरणीय हमारे सभी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्षगण, आदरणीय हमारे सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्षगण, आदरणीय हमारे सभी समाज के वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय हमारे गांव गांव से आए हुए शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर और सिंगरौली, सीधी तमाम जगह से आए हुए हमारे सभी साथीगण और मीडिया के साथियों, माननीय कमलनाथ जी, आज आपका आगमन एक अटूट रिश्ते के साथ हुआ है। आज भक्त शिरोमणि सबरी माता का जयंती है। सबरी माता जी का विवाह होना था, देखे सबरी माता ने कि विवाह के लिए बकरा भेड़ा दुनिया भर के लाए हैं। सबरी माता ने पूछा, पिताजी ये क्या है? तो बोले, बेटी कल तेरा शादी होगा, उससे पहले इनको कटना है। सबरी माता ने कही कि ये नहीं कटेंगे। इसके लिए सबरी माता ने चिंता करके रात को निकल गई और वन में चली गई और वन में उसने मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची और मतंग ऋषि ने उन्हें शिष्य बनाया, बाकी ऋषियों ने नहीं बनाया। बाकी ऋषियों ने मतंग ऋषि को समाज से अलग कर दिए कि ये आदिवासी का बेटी है, इसलिए इसको शिष्य बनाया है, इसको अलग करो, ऐसा करके अलग कर दिए। जब देहवासन का स्थिति आया मतंग ऋषि का, तो उन्होंने कहा कि बेटी मैं जाने वाला हूं, तो सबरी माता ने कहा कि आप मुझे भी साथ में लेके जाइए। मतंग ऋषि ने कहा कि आपको मेरा कुटी संभालना है और एक दिन भगवान राम आपके पास आएगा, आप यहीं रहना, ये कह के चले गए। और सबरी माता उस दिन से इंतजार करने लगी। वो रोज फूल लाती थी टुकना टुकना भर के कि आज आएंगे। पर सबरी माता को एक दिन एक ऋषि ने पत्थर मार दिया कि आप आदिवासी की बेटी हो, तो उसके एक बूंद खून गिर गया, तालाब में पड़ गया। वो तालाब पूरा खून हो गया, पूरे ऋषि मुनि आ गए पर उसको पानी नहीं बना सके। जब भगवान राम परिक्रमा में गए तो गौ लोगों ने कहा कि ये खून को आप पानी बना दो, तो कहा ये खून कैसे बना है बताओ। पूरा भगवान राम ने प्रयास किया पर वो पानी नहीं बना सका, तो कहा कि सबरी माता को लाओ यहीं पर हमारे बीच में। तो जैसे ही लोगों ने बताया कि सबरी माता चलो भगवान राम आए हैं, तो सबरी माता जैसे ही गई और सबरी माता का चरण का धूल जैसे तालाब में पड़ा तो वो पानी हो गया। तो भगवान राम ने कहा कि ये देखो ये भक्त का बात है। और इस तरह से सबरी माता ने भक्त शिरोमणि का आज जो आज उनका दिन है। और माननीय कमलनाथ जी, मैं एक निवेदन करता हूं, सबरी माता की तरह डिंडोरी की जनता आपका भक्त है। 2008 में जब पूरा प्रदेश भाजपा का था तो डिंडोरी की जनता सोच रहे थे कमलनाथ हमारा मुख्यमंत्री बनने वाला है। 2008 में जब आप गोरखपुर आए थे तब कह रहे थे
थे 2013 में, जब शिवराज सिंह ने फिर आया तो भी डिंडोरी की जनता आपको देख रहे थे कि हमारा कमलनाथ जी कब आने वाले हैं। 2008 में, 2013 में ये हमारे कोल, बैगा, गौर, प्रधान, भारिया, राठौर, पनिका, अहिर, ये जितने हमारे यहां लोग हैं आपके लिए तरसते रह गए। और जब 2018 आया तो पता नहीं यहां कौन सा जादू चलने लगा कि हमारा तो सीएम बन गया, हमारा तो सीएम बन गया। हम कहे यार अति हमारे लोगों का उत्साह है, और ठीक सबरी की तरह इंतजार करते रह गए कि हमारी सरकार कब आएगी, हमारी सरकार आएगी और आप मुख्यमंत्री बने। और मैंने कभी नहीं कहा कि आप, मैं जानता था कि आपके दिल में है, क्योंकि जब हम पढ़ने जाते थे तब आप डिंडोरी को गोद ले चुके थे और उसके तहत आपने आज ऐसा दिन में आपने आया कि हमारे लिए एक किरण, आप उम्मीद के किरण के रूप में आए हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं आज आपका जो स्नेह है, माखनलाल सरैया जी उठ जाओ और ये बेर ले जाओ और साहब को ये बेर 100 खिलाओ, चलो यहां से ये बेर ही है लाओ, साहब को खिलाओ। सबरी माता ने राम को खिलाया था और हमारे डिंडोरी और मध्य प्रदेश के आदिवासी आपको खिला रहे हैं, और ये रिश्ता है, ये रिश्ता है, ये रिश्ता है भाई साहब आपका हमारा स्नेह का। यह रिश्ता है भाई साहब, और मुझे पूरा उम्मीद है पूरे देश के अंदर जो मुख्यमंत्री है, सुन लो भाइयों आदिवासियों, कहीं का मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आदिवासी वोटर नहीं है। आप जाके कहीं के मुख्यमंत्री देख लो, उनके क्षेत्र में आदिवासी वोटर नहीं है, पर माननीय कमलनाथ जी के छिंदवाड़ा में पूरे आदिवासी वोटर हैं। इसलिए तो हम जब छिंदवाड़ा गए थे तो हमने कहा था कि शिकारपुर का निवासी और कमलनाथ आदिवासी है, हमारा नेता है हमारा। और आज जिस रिश्ते से आपने निभाया है माननीय भाई साहब, हम आपके दर्द देखते हैं भाइयों। ये मैं इसलिए नहीं कि मंत्री बन गए हूं, इसलिए कोई आप लोगों को पता है मैं ओंकार सिंह हूं, जो कहता हूं परफेक्ट कहता हूं, कोई ऐसा नहीं रहता, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं। हमने देखा है साहब का दर्द कि आदिवासियों के लिए किस तरह से लड़ते हैं। हमने कैबिनेट में भी देखा है कि जब भी बात आदिवासी का आता है तो साहब का मुस्कुराहट आ जाता है, हम समझ जाते हैं जुगाड़ जम गई। और वित्तीय खजाना खाली होने के बाद आपने सिर्फ योजना नहीं बनाया बल्कि सामाजिक रूप से हमारे समाज में खड़ा होने के लिए आपने हमारे लिए खजाना खोल दिया। 9 अगस्त की बात हो, चाहे हमारा बिरसा मुंडा का जयंती हो, चाहे शंकर साय रघुनाथ साय का प्रेरणा केंद्र हो, चाहे हमारे युवा छात्रों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप में राशि का वृद्धि हो, या गांव गांव में देवी देवालयों के स्थान का निर्माण की बात हो, या आदिवासियों के लिए कर्जा मुक्ति के लिए बड़े बड़े व्यापारियों से, सुन लो आदिवासी भाइयों, ये व्यापारियों को साहब ने सचेत कर दिया है कि आदिवासियों को कोई लूट नहीं सकते। खतरनाक हमारा नेता ने आपके लिए खड़ा हो गया, ये खतरनाक चीज है। ये व्यापारी जो भागपाई होते हैं वो दिन भर आपसे सामान लेते हैं, आपको लूटते हैं, आप ही को बहकाते हैं, उनसे बचाने के लिए साहब ने बीड़ा उठाया है। इस बीड़ा के साथ आपको हमको खड़े रहना है, आपको हमको समझना है। ये डिंडोरी के विकास के लिए जिस तरह से आप साहब आए हैं, मैं तो देखो भाई साहब जब हम लोग पढ़ते थे तब गोद ले लिए हैं, मैं साहब को क्या बताऊं। उस समय तो अब साहब 15 साल सरकार नहीं थी, चिट्ठी लिखते थे तो शिवराज सिंह फेंक देता था चिट्ठियों को, क्या करे। अब साहब को मौका मिला है तो मैं बहुत कुछ मांगू, इससे पहले साहब ही देने वाले हैं। मैं तो बताना चाहता हूं कि साहब हमारे पूरी तरह से हमारे मदद करने के लिए तैयार।
और इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं साहब एक झलक, 15 साल आपके इंतजार कर रहे थे और एक एक आदिवासियों को चुन चुन के भाजपा के लोग बदला ले रहे थे। मेरे गरीब आदिवासी बनवासी भाई बैगा भाई का मकान नहीं है पर उनका नाम सर्वे में नहीं जुड़ा, वो कागज बना दिए हैं सर्वे का, उसमें जो कांग्रेसी गांव है उनके यहां सड़क छोड़ दिए थे, एक लिखनी गांव है सड़क नहीं बनने दिए क्योंकि कांग्रेस को वोट देते हैं, ये दुल्लोपुर बिजोरा गांव है वो इसलिए सड़क नहीं बनी क्योंकि कांग्रेस की गांव है, गरीबों का मकान इसलिए नहीं बना सर्वे में नाम नहीं आया क्योंकि कांग्रेस की गांव है, गांव के सड़क नहीं बने क्योंकि कांग्रेस की गांव है, पीने का पानी नहीं क्योंकि कांग्रेस की गांव है। मैं तो भाई साहब एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि ईंट के जवाब पत्थर से दे दीजिए आप, मेरे गरीब जिले वासियों का कोई मकान खाली नहीं रहेगा, आप तो विशेष घोषणा कर दीजिए कि आदिवासी का कोई भी हमारा मकान जो सर्वे में नहीं है, भारत सरकार वाले भारत सरकार के कहते हैं कि सर्वे में सूची में नाम नहीं है, मेरा निवेदन है भाई साहब आप तो उनकी सूची का मतलब नहीं है, हमारा मुख्यमंत्री जो कहेगा सुन लो मोदी जी, मुख्यमंत्री जो कहेगा मानना पड़ेगा, ये मध्य प्रदेश की जनता आपको कह रहे हैं आपने हमारे मध्य प्रदेश को ठगने का काम किया, डिंडोरी में 30 करोड़ रुपए राहुल गांधी जी से कमलनाथ जी भेजते थे आईएपी योजना में जिसके तहत मैंने हर सेकेंडरी बिल्डिंग बनाया, कलेक्ट्रेट का ऊपर बिल्डिंग बनाया जहां भाजपा के टाइम में भी कलेक्टर बैठते थे, आईएपी योजना आपने 2014 से बंद कर दिया, बीआरजीएफ योजना जिसमें आंगनवाड़ी भवन पुल पुलिया सड़क बनाते थे बंद कर दिए, 50 करोड़ एक साल में बंद कर दिए, 6 साल में 300 करोड़ मोदी जी ने बंद कर दिया, और भाजपा के लोग बड़ी दम भरते हैं बताते हैं हम तो कहते हैं कि हिसाब तो ला दो, पर आप माननीय कमलनाथ जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इसमें भी कहा है, सुन लो आदिवासी भाइयों साहब ने सबसे पहले हमारे 26 जनवरी के भाषण में पढ़ा तो मैं तो गदगद आ गया कि अगर केंद्र सरकार नहीं देगा तो मध्य प्रदेश सरकार हमारा विशेष 275(1) उप योजना को ला करके काम करेगा और विकास को हम आगे बढ़ाने के काम करेंगे। आज हम आपके बीच में माननीय सीएम साहब, हम लोग अस्पताल के लिए बड़ा परेशान रहते हैं, आपका निर्देश था, मैं तो चाहता हूं आज आपके मुखारविंद से, मैं चुप ही रहता था हमारे साहब आएंगे क्योंकि हम सबरी आदिवासी वाले हैं, हम कह साहब आएंगे तो बताएंगे तो हम आप मेडिकल हमारा अस्पताल का बढ़िया अच्छा अपग्रेड हो जाए ताकि गांव गांव के लड़का सब ना बाहर गरीबी में पैसा नहीं है साहब कहां से इलाज कराएं, बड़ा मुसीबत होता है, हमारा अस्पताल का बढ़ जाना चाहिए, 70-80 इलाज हो जाना चाहिए हमारे डिंडोरी में जो जबलपुर में होता है, ये हमारा बढ़िया। दूसरी बात, हमारे यहाँ के लड़का पढ़ने के लिए बाहर भागते हैं, कॉलेज में स्नातक है स्नातकोत्तर नहीं है, बहुत विद्वान है बड़े बड़े यहाँ कलेक्टर और एसपी बनेंगे हमारे यहाँ के लड़के, बड़े बड़े मजिस्ट्रेट बनने वाले अभी बहुत बन रहे हैं कुछ लोग, इसके लिए स्नातकोत्तर हमारा कॉलेज हो जाए हमारा, और आप तो तैयारी में है मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ साहब, और इसके साथ हमारे जो कृषि का बहुत बड़ा उन्नति है, कृषि महाविद्यालय भी हमारे लोगों के लिए बड़ी उम्मीद के साथ हमारे लोग लगे हुए हैं, और हर गांव में चाहे हमारा 7 ब्लॉक है साहब गांव गांव में पानी पहुंचना चाहिए, भाजपा के शासन में एक योजना में लगवाया तो आदिवासी मोहल्लाओं को छोड़ दिए थे, मैं लड़ लड़ के परेशान रहता था, अब सभी जगह पानी मिला, मेरा कहना है कि वो कोई भी समाज का हो सबका सम्मान होना चाहिए, कोई भेदभाव कांग्रेस कभी नहीं करता, सबका सम्मान हो सबको मिले सबका व्यवस्था हो चाहे वो जो भी समाज का हो, हम लोग कभी अन्याय कभी नहीं करते, सबका सम्मान हो, और इसके साथ प्रगति और विकास में आप हमारा बहुत बढ़िया विकास के लिए आपका सहयोग मिले, और भाई साहब ये कोदो कुटकी की इडली है, मुझे पूरा विश्वास है मध्य प्रदेश में कहीं इडली नहीं बनाए होंगे, कोदो कुटकी का इडली है, इसका ब्रांडिंग इंटरनेशनल हो जाए क्योंकि आपका पूरा संपर्क पूरे भारत देश में विश्व भर में है, आप अगर हमारे यहाँ से बढ़िया हमारा इडली डोसा कोदो कुटकी के बिस्किट महुआ के बिस्किट, अभी हमारे महुआ के बिस्किट बड़े बड़े लोग नहीं खाएंगे, खाएंगे तो मजा आएगा, महुआ का बिस्किट है तमाम है, इसको भाई साहब
पूरे डिंडोरी के नाम से पूरे जगह सप्लाई हो जाए, जैसे अभी आपने जलेबी खोआ मालवा वालों के लिए किया है। ये महाकौशल के लिए हमारा बिस्कुट का भी बेहतरीन हो जाए, हजारों लोगों को काम मिले इसमें। मैं ये कहते हुए हमारे यहां से भाई साहब एक और अनुरोध है, ये जो हमारा लकड़ी है, हमारे यहाँ का लकड़ी, हमारे यहाँ का मेहनत और दरवाजा हमारी को नहीं मिलता। बड़े बड़े ठेला में टोर टोर करके ले जाते हैं बाहर जगह में, हमारी लोगों को नहीं मिलता। मेरा ये निवेदन है कि हमारे यहाँ का लकड़ी हम लोगों को उपयोग के लिए मिले और हमारे यहाँ के नौजवानों को ट्रेनिंग दिया जाए और यहीं से बड़े बड़े हम लोग सोफा सेट पलंग दुनिया भर के बनाएंगे और बाहर बेचेंगे और रुपया इधर लाएंगे। ऐसा हमारा प्लान, ये हमारा बहुत बड़ा हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी, और मुझे पूरा भरोसा है। ये तो मैं छोटा छोटा मांग किया हूं, ये तो टेरर मारा हूं, साहब के पास पिक्चर है अभी देने वाले हैं, मैं तो ज्यादा नहीं बता। बहुत मिलेगा हमें, पूरा भरोसा है। और आज आप हम देखो भाई, हमारा आदिवासियों का सबसे बड़ा दौलत कौन सा है? हमारी ईमानदारी। हम लोग ईमानदार हैं, साहब के इंतजार में खड़े हैं। और साहब, फिर मैं अपनी बात को कह रहा हूं कि 15 सालों तक हमने आपका इंतजार किया, हमारे गरीब जनता। और साहब, मेरे मंत्री बनने से मैं आपको बताऊं, मैं जब गाड़ी में चढ़ता हूं तो मेरे आंसू निकल आते हैं जब हमारे गरीब भाइयों को देखता हूं। मैंने एक आपको जो संकेत दिया है बैगा का, सिर में लकड़ी है, कोख में बच्चा है। भाई साहब, मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी खुशी तो तब ही है कि जब हमारे गरीब के पांव में चप्पल हो जाए, उनके तन में कपड़े हो जाए, उनके घर में मकान हो जाए, उनके घर में पानी हो जाए। नहीं, मेरे को मंत्री बनने के बाद भी भाई साहब उनको देखता हूं तो मेरे को तो वही लोग माया करते हैं साहब। ये बड़े बड़े लोग बड़े कलाकार होते हैं साहब, ये गरीब आदिवासी और दलित आपके साथ खड़े हैं भाई साहब, इस बात को मैं गारंटी से कह रहा हूं। और आज आप लोग हमारे बीच में है, मुझे पूरा विश्वास है, और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि आपका हमेशा हमने दर्द देखा है। डिंडोरी वाले भाइयों, मैं आप सब लोगों को बीच में, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, देखा भाई सब माया खाड़ू है, जिला बने अलगे है, गई मत दिल अलगे नहीं हुआ साहब। हम एक है, चाहे मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सब तरफ साहब का माया पूरी तरह से है और सबका विकास होगा। और आप सब लोगों के बीच में आप और हम सब लोग कंधे से कंधे मिलाकर के बेहतरीन काम करेंगे। आज आप सब लोग आए, अब अभी साहब अब मंत्री बनाए थे तुम्हार कृपा से, तभी राजगढ़ जाए ला है, विदिशा जाए ला है, तो कुछ टाइम के बाद साहब साहब महू ल जाए ला पड़े वहां। तो यह जितना जन आए हैं, जितना नाथ महाराज परिवार के रिश्तेदार कांग्रेस के नेता, 5 जगह है खाना की व्यवस्था भाई, गरीबी अधीनी जो भी करे हम पेच पानी पी ली है, नहीं तो कुराए जाओ, गरीबी अधीनी जो भी है। ये नर्मदा पार भी है, ये टिकरा क्षेत्र का, ये कॉलेज में है, सैपुरा उमरिया धार ले जितना आए हैं पूरा उत्थी अकेदमी का, और यह महदवानी तरफ से आए और अमरपुर से देखकर मंगला बस स्टैंड में है, समनापुर रोड में समनापुर ब्लॉक और मवई तरफ के आई देखर का है, अनूपपुर, शहडोल, करंजिया बाजार, कुकर्रा मठ के लाई के कॉलेज बिल्डिंग के पास पेज भाजी के प्रबंध है। तो पी खा ली है कम, अगर कहीं तो बताइए हमार काम आए, कहीं से हमार खाए कच्चु कच्चू तो है। तो अधिकारी सुन लो, एक आदमी भूखे जह जाए तो मोला खाए ला दो या जह दो मुर्जन तल खवाए दे दादा। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं आप सब लोगों से कि सब लोग भोजन, क्योंकि आज सबरी माता का जयंती है और आदरणीय साहब ने निर्देश दिया था कि ओंकार सिंह मरकाम आदिवासियों के कभी भी फोन कर दे साहब, ओंकार आदिवासियों के लिए काम करो। मैं कहती हूँ साहब ला भारी चिंता है दादा, रात के अब एक और बताऊं, ये बात ला सुन लो, हम नवा लड़का मंत्री बने तो हमारा लगे कि साहब की तो बड़ी उम्र है। एक दिन पता चले 10 बजे ले मंत्रालय में साहब बैठे, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, फिर है रात के 10 बज गए, 12 घंटा है। मैं कहूँ साहब क्या कर रही है दादा, और इसके बाद 12 बज गए वो मंत्रालय में काम ही कर रहा है साहब। मैं कहूँ धन है मालिक, तब यह कल्याण हुई हमारा आदिवासी के। उस दिन मेरे को लगा कि हम लोग सोचते थे कि हम युवा है, अरे दादा साहब तो 14 घंटा 18 घंटा काम करता है,
मैं तो सबरी माता से प्रार्थना करता हूँ, सबरी माता नर्मदा मैया ऐसे ही आशीर्वाद हमारे साहब पे बनाए रखना और हमारे धार साहब मदद करत रहे, ऐसे कृपा हमारे साहब के बनी रहे। आप सब लोगों को देखा भाई भूल चूक जाता भीड़ भड़क कमा नाथ महाराजा समाज किया तो कुछ आप लोगों से भी अनुरोध है, भीड़ भड़क कम कछ भूल चूक हुई तो क्षमा कर हो यार। इंद्रदेव तो भारी कृपा करे है, चक्र हाले साहब भारी पानी बरस है, परंतु पूरे हमारे जो इस क्षेत्र के आदिवासी हैं आज आपके बीच में पाकर के बहुत गदगद हुए। आप सब लोगों को मैं एक जयकारा लगवाऊंगा, मैं बोलूंगा कमलनाथ तो आप वो लोग बोलना जिंदाबाद कमलनाथ जी, हाथ उठाए के तनक ठंडा छोड़ गए हो, कमलनाथ जी, कमलनाथ जी, जय जय कमलनाथ, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। आस्था विश्वास और परंपरा का देश हमारा देश भारत, ये आस्था विश्वास और परंपरा ही है कि हम यहां पर शबरी समारोह में सभी एकत्रित हुए हैं अपार जन समूह के साथ। आदरणीय मंत्री जी ओमकार सिंह मरकाम जी कुछ संस्मरण बता रहे थे, कुछ तारीखें उन्हें याद आ रही थी, कुछ गौरव के क्षण मेरे साथ भी जुड़े हैं सरकार के साथ। मात्र छठवां दिन था, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार का गठन हुआ, बेहद गर्व महसूस होता है आज इस अपार जन समूह को देख के कि आपके लिए पहला विज्ञापन कांग्रेस ने अपना वचन निभाया, किसानों का कर्जा चुकाया, मेरी आवाज में था, बेहद गर्व के साथ में बताना चाहता हूं। और फिर एक गर्व का पल आया 25 दिसंबर 2018 राजभवन के बेहद सम्मानीय गरिमामय माहौल में मध्य प्रदेश के समस्त 28 मंत्रियों का शपथ ग्रहण, मैंने उसका भी मन संचालन किया। बेहद गर्व होता है एक ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर। बिना समय लिए आमंत्रित करना चाहूंगा आपके दिलों में बसने वाले मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री कमलनाथ जी, वे आए आप सभी को अपने उद्बोधन से उद्वित करें।